भी रुक कर लेंगे। आनंद, आगे क्या दिखाई दे रहा है, अगले इन 14 दिनों के जुडिशियल कस्टडी में क्या कुछ हो सकता है? देखिए, ईडी की पूछताछ लगातार जारी है। हालांकि अरविंद केजरीवाल अब न्यायिक हिरासत में चले गए, लेकिन ईडी की तफ्तीश इस पूरे मामले में लगातार जारी है। और जो लिकर घोटाला है उसमें जैसा कि जो गोवा से जो कैंडिडेट आते हैं उनके बयान जो है हाल ही में ईडी ने दर्ज किए हैं, अभी कैलाश गहलोत के बयान ईडी ने दर्ज किए हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के एक जो विधायक, एक जो प्रत्याशी थे, उनके घर में ईडी ने रेड करी है। तो अभी इस पूरे मामले में आगे ईडी जो है अपनी तफ्तीश का दायरा और ज्यादा बढ़ाएगी, और जब 14 दिनों के बाद फिर से अरविंद केजरीवाल को एक बार न्यायिक हिरासत से कोर्ट में पेश किया जाएगा, इस दौरान देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल की क्या ईडी को फिर से रिमांड की जरूरत पड़ती है। और जो एप्पल को उन्होंने एक लेटर लिखा है कि अरविंद केजरीवाल का जो एप्पल का फोन है उसका पासवर्ड अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं, उसको लेकर एप्पल किस तरह का जवाब जो है वो ईडी को देता है। जो एक फोन अरविंद केजरीवाल का मिसिंग है वो फोन क्या ईडी हासिल कर पाती है, और कैलाश गहलोत ने क्या बयान ईडी को दिए हैं, क्योंकि जब ये जीओएम जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स में कैलाश गहलोत भी शामिल थे, जो नई आबकारी नीति बन रही थी या उसे लागू किया गया था, उसमें कैलाश गहलोत की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो उनके बयान भी काफी महत्वपूर्ण है। और जो गोवा के कैंडिडेट थे उन्होंने क्या बयान दिए हैं, साउथ लॉबी को लेकर काफी लंबा चलने वाला है। लेकिन एक बात आनंद आपने बिल्कुल साफ कर दी है कि ये जो 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी है उसके बाद संभावना ये भी है कि ईडी की कस्टडी में वापस ईडी मांग सकती है अरविंद केजरीवाल को। लेकिन एक बार हम विक्रांत का भी रुख करेंगे। विक्रांत, अरविंद केजरीवाल के पास क्या लीगल ऑप्शंस अब बचते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, लीगल ऑप्शन तो केवल एक ही अभी फिलहाल उनके पास है, जो उन्हें हाई कोर्ट में, अगर वो चाहेंगे, माफ कीजिएगा, ट्रायल कोर्ट में अपनी जमानत अर्जी दाखिल कर सकते हैं। दूसरा, हाई कोर्ट में उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया हुआ है, जिस पर 3 तारीख को सुनवाई होनी है, उस पर ईडी को कल तक जवाब देना है। उस मामले में हाईकोर्ट सुनवाई करेगा, तो वहां पर हाईकोर्ट क्या उस मामले में दखल देता है या नहीं देता है। हालांकि इस तरह के मामलों में हमने देखा है कि कोर्ट ने बहुत कम मामलों में दखल दिया है। एक बार एक्यूज की गिरफ्तारी होने के बाद कोर्ट के पास बहुत सीमित विकल्प रह जाते हैं आरोप के लिए, क्योंकि अब उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, उनका रिमांड भी हो चुका है, और अब उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, तो मामला काफी आगे बढ़ चुका है। तो हाईकोर्ट में उनकी हालांकि याचिका है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध ठहराया था और अपने रिमांड को भी ये कहा था कि गलत तरीके से रिमांड पर भेजा गया। दोनों चीजों पर ईडी से जवाब मांगा हुआ, उस पर 3 तारीख यानी बुधवार को सुनवाई होगी। इसके अलावा उनके पास सुप्रीम कोर्ट में भी, जब हाईकोर्ट से उन्हें उनकी याचिका अगर खारिज हुई तो सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है, लेकिन बेल के लिए तो एप्लीकेशन, जो बेल एप्लीकेशन वो ट्रायल कोर्ट से ही शुरू होगी। सबसे पहले आपको ट्रायल कोर्ट में ही लगानी होगी, और यहां से खारिज होने के बाद हाईकोर्ट, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, तो एक लंबा प्रोसेस ये पूरा है बेल का। ठीक है विक्रांत, एक बार आनंद का रुख करेंगे। आनंद, सिक्योरिटी के क्या कुछ इंतजाम हैं, आप बता रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए जरा, तिहाड़ जेल के बाहर और तिहाड़ जेल के अंदर भी क्या जानकारी मिली है? जो देखिए, चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और एक हाई प्रोफाइल कैदी के तौर पे अब वो तिहाड़ जेल पहुंचने वाले हैं, और तिहाड़ जेल में उन्हें रहना पड़ेगा। जैसा कि पहले से ही मैं आपको बता रहा हूं कि 5 नंबर जेल में तिहाड़ जेल के बड़े अधिकारियों ने मौका मुआयना किया है, और वहां पर सुविधाएं देखिए कि किस तरह की सुविधाएं जो हैं, सुरक्षा को लेकर किस तरह की सुविधाएं हैं, और सुरक्षा को लेकर 5 नंबर जेल कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि 2 नंबर जेल में भी जो है वो अरविंद केजरीवाल को रखा जा सकता है, क्योंकि 1 और 2 नंबर जेल। नमस्कार, न्यूज़ 18 इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मानिका ठाकुर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पूजा, और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, शराब घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा है, ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। जी आपको बता दें, ईडी ने केजरीवाल की रिमांड नहीं मांगते हुए न्यायिक हिरासत की मांग की थी, और ईडी ने कोर्ट में दावा करते हुए केजरीवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का भी आरोप लगाया, और यही वजह है कि एक बहुत बड़ा झटका यहां पर अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि कोर्ट ने 15 अप्रैल तक उन्हें अब जुडिशियल कस्टडी यानी कि न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, और ईडी की तरफ से यह भी कहा गया है कि जांच में अरविंद केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं, यानी कि अब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाना होगा। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिल पाई है, 14 दिन की जेल यानी कोर्ट ने 15 अप्रैल तक उन्हें न्यायिक हिरासत में जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया है, और सबसे गंभीर ये कि केजरीवाल पर जांच में सहयोग नहीं करने का आरोप है। हमारे दो सहयोगी इसी खबर पर जुड़े हुए हमारे साथ, राउज एवेन्यू कोर्ट से विक्रांत यादव जुड़े हुए हैं, ईडी दफ्तर से हमारे साथ आनंद तिवारी मौजूद है। विक्रांत, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, ये जो ईडी की तरफ से आरोप केजरीवाल के ऊपर लगे हैं कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, क्या इससे भी केजरीवाल की मुश्किलें आने वाले दिनों में और बढ़ेंगी?
इन्वेस्टिगेशन के दौरान अब जांच एजेंसियां अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहेंगी, क्योंकि कोर्ट के सामने अभी ट्रायल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने कोर्ट को ये जरूर बताया कि जिस समय हम पूछताछ कर रहे थे उसमें सहयोग नहीं किया, उन्होंने अपने जो डिजिटल डिवाइसेज हैं उनके पासवर्ड के बारे में नहीं बताया और बाकी चीज़ों में भी वो सहयोग नहीं कर रहे। बयान जो है वो इवेजिव है, उनके जो जवाब हैं वो एक तरह से टालने की कोशिश कर रहे हैं। विजय नायर के बारे में पूछा गया, विजय नायर भी इस केस में गिरफ्तार है, ये आरोप है ईडी का कि वो अरविंद केजरीवाल के बेहद खास थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये उन्हें नहीं कहा, उनको उनको उनके उनको रिपोर्ट नहीं करते थे और वो उनको रिपोर्ट वो आतिशी को रिपोर्ट करते थे, तो कोई सीधा संबंध नहीं था। और डिजिटल डिवाइस के पासवर्ड पूछे उनसे, उसके पासवर्ड के बारे में जानकारी नहीं दी है, तो एक तरह से ईडी ने दिखाने की कोशिश की है कि वो जांच में किसी भी तरह का सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बचाव पक्ष की बात करें तो उनका ये कहना है कि पासवर्ड देने के लिए दबाव ईडी नहीं बना सकती, इस तरीके का कोई अधिकार ईडी के पास नहीं है, अक्यूज अगर नहीं देना चाहता तो वो नहीं देगा, ये उसका राइट है। और ईडी जो बयान लेना चाहती है, अगर उसके मन मुताबिक बयान ना दिए जाएं तो इसे असहयोगपूर्ण बयान, असहयोगपूर्ण कार्रवाई नहीं कहा जा सकती। तो इस तरीके की दलीलें हैं, ये चलेंगी, हालांकि ये ट्रायल के दौरान ये सब चीजें ज्यादा उठेगी और उस समय ये तमाम चीजें ईडी कोर्ट के सामने भी रखेगी। अब हालांकि उन्हें 14 दिन के लिए जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है, 14 दिन बाद फिर से लाया जाएगा और अगर जब तक अब जमानत नहीं मिलती तब तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में ही रहना पड़ेगा। बिल्कुल, जब तक जमानत नहीं मिलती है तब तक यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। आनंद हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, क्योंकि तिहाड़ जेल में किस तरीके की इंतजाम किए गए हैं, कौन से बैरक में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। आनंद, क्या जानकारी मिल पा रही है, कौन से बैरक में रखा जाएगा, क्या तैयारी चल रही है, सामान्य कैदी की तरह उन्हें रखा जाएगा, क्या क्या अनुमति उन्हें दी गई है चीजें ले जाने के लिए अंदर? देखिए, जो तिहाड़ के सूत्र बता रहे हैं कि या तो 5 नंबर जेल या 2 नंबर जेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि तिहाड़ में कुल 9 जेलें हैं और उसमें करीबन 12,000 कैदी बंद हैं। और अगर आप बात करें मनीष सिसोदिया की, तो मनीष सिसोदिया इस वक्त जो है वो जेल नंबर 1 में बंद है, वो पहले जेल नंबर 2 में थे। इसी 2 नंबर जेल की बात कर रहा हूं मैं कि इसमें अरविंद केजरीवाल को रखा जा सकता है। और 2 नंबर जेल जो है उसमें पहले संजय सिंह बंद थे, जिन्हें की शिफ्ट करके 5 नंबर जेल में बंद कर दिया गया है। तो आप सोच सकते हैं कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक लगभग ये तय है कि या तो 5 नंबर जेल या 2 नंबर जेल में अरविंद केजरीवाल को रखा जाएगा। अगर ऐसा होता है तो उनके साथ शायद आम आदमी पार्टी के या तो मनीष सिसोदिया या फिर संजय सिंह उसी जेल में उनके साथ बंद जो है वो रहेंगे, क्योंकि 5 नंबर और 2 नंबर जो जेल है और उसे पहले से ही जो है वो सैनिटाइज किया गया था और उसके उसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे थ्रेट परसेप्शन काफ़ी ज़्यादा, उनकी सुरक्षा पहले से ही काफ़ी बढ़ा दी गई थी और हमने देखा उनके ऊपर कई बार हमले करने की कोशिश भी जो है वो उनकी सभाओं में किए गए हैं। तो ऐसे में तिहाड़ में जब खूंखार कैदी गैंगस्टर आतंकवादी बनने और वहां पर अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा तिहाड़ जेल के लिए सबसे बड़ा एक तरीके से मुद्दा है, इसी को लेकर तिहाड़ के जो डीजी हैं संजय बेनीवाल, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग करी थी और उसमें यह सुनिश्चित किया था कि अरविंद केजरीवाल जिस भी नंबर जेल में रहेंगे वहां के जेल सुप्रिंटेंडेंट या जेलर जो हैं वो अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे और जो कोर्ट ने आदेश दिए उन्हें जो सुविधाएं जेल में मिलना चाहिए, चाहे वो किताबों की बात हो या दवाइयों की, जो उन्होंने कोर्ट से परमिशन मांगी थी वो मिल गई है, तो वो नियमित तौर पर जो उनको दवाइयां हैं वो जो है तिहाड़ जेल में दी जाएं, लेकिन वहां पर वो एक सामान्य कैदी की तरह पर रहेंगे। जो खाना आम कैदी खाते हैं वही अरविंद केजरीवाल को वहां पर दिया जाएगा, जो दिनचर्या आम कैदियों के लिए होती है वही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए तिहाड़ जेल में रहेगी।